बचपन के जंगल में टुनटुनियो भूरी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। भूरी चिड़िया घमंडी और लालची थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया शांत और सबकी मदद करती थी। उनके पिता की मौत हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ टुनटुनी से कहती है, अरे बिटिया, मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है, वो कबूतर बहुत ही अच्छा है। मेरी सहेली का बेटा है और बैंक में मैनेजर का काम करता है, अच्छी पगार मिलती है, तुझे बहुत खुश रखेगा। मेरे इस फैसले से तू खुश है ना बेटी? हाँ माँ, तुमने मेरे लिए जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। अगले दिन बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ टुनटुनी चिड़िया को देखने के लिए आती है। टुनी चिड़िया, हमें तुम्हारी बेटी टुनटुनी बहुत पसंद है, बचपन में देखा था, लेकिन शादी ब्याह का मामला है, सोचा अपने बेटे को भी टुनटुनी चिड़िया को दिखा दूं। मेरे बेटे को भी तुम्हारी बेटी पसंद है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। समय गुजरने लगता है। एक दिन भूरी अपने कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने कॉलेज के दोस्त कालू कौवे से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे करमजली, ये तू क्या बोल रही है? अपनी शादी की बात खुद कर रही है ना स्पीडी? तुझे लाज शर्म है कि नहीं? अभी मैं मरी नहीं हूँ, तेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थी। मुझे पता है तुम मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढोगी। दीदी के लिए ढूंढा है ना, दो कौड़ी का रिश्ता। मुझे नहीं करनी गरीब घर में शादी, मुझे तो अमीर घर की बहू बनकर जाना है। तुम्हें पता है कालू कौवे के पास कितना धन दौलत है? उसके पिता की चार चार फैक्ट्रियां हैं शहर में और घर तो बिल्कुल महलों जैसा है। उसके घर में कई नौकर चाकर काम करते हैं। मुझे तो कालू कौवे से ही शादी करनी है, चाहे तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारे बगैर मर्जी के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नासपीटी उन लक्ष्मी, अगर तूने उस कलुए से शादी की बात कर ही ली है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत? तू जिससे कहेगी मैं उसे तेरी शादी करा दूंगी। और इस तरह भूरी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद भूरी चिड़िया अपनी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उस समय टुनटुनी अपनी घर की सफाई कर रही थी। अरे भूरी चिड़िया, तू, मुझे पता होता तो आज तेरे जीजा जी को जाने नहीं देती, उन्हें रोक लेती, वो तुम्हें रिसीव कर लेते। अरे नहीं दीदी, तुम्हें तो पता है मैं कितने बड़े घर की चिड़िया हूँ, अपनी हवाई मोटर लेकर आई हूँ। तुम्हारे जैसी गरीब थोड़ी ना हूँ जो हवा में उड़ते उड़ते धक्के खाती रहूँ। अरे बापरे, अब तू बस बोलती ही रहेगी या कुछ खाएगी पिएगी भी? तो रुक, अभी मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। क्या दीदी, इतनी गर्मी में चाय पिलाकर तुम मुझे मार डालोगी क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है भूरी? मेरे पास फ्रिज नहीं है ना, इसलिए मैं तुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकती। ये सब छोड़ो दीदी, पहले जाकर तुम फ्रेश हो लो। अभी अभी तुमने घर की सफाई की है ना, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। मुझे तो ये सब करने की आदत नहीं, मेरे घर तो सैकड़ों नौकर चाकर हैं, मैं तो बस बैठे बैठे ऑर्डर करती हूँ। अच्छा भूरी, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद भूरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पूरे घर को देखने लगती है। हे भगवान, पता नहीं ये दीदी ऐसे टूटे फूटे घर में कैसे रहती हैं? छी, मैं तो ऐसे घर में एक मिनट भी ना रहूं। तभी टुनटुनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। ले ले भूरी चिड़िया, चाय पी ले। दीदी मैं तो हैरान हूँ, तुम ऐसे कैसे रह लेती हो? कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़े घर की व्यवस्था करा दूँ। भूरी, तो इस तरह मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ा, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अगर तुझे मेरा घर पसंद नहीं तो तू यहाँ मत आया कर। अपनी बहन की ये बातें सुनकर भूरी चिड़ियों को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने अमीरी के घमंड में आपके दिल को ठेस पहुँचाई है। आज के बाद से मैं किसी को अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे की गले मिल जाती हैं और खुशी खुशी अपनी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं।